हर कंटेस्टेंट अपने तरीके से घर में गेम खेल रहा है, हर कंटेस्टेंट अपनी तरह से खास जगह बनाने में लगा है, लेकिन इन दिनों एक नाम है जो कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट बटोर रहा है। एक नाम है जिसने पूरे हिंदुस्तान का दिमाग हिला दिया है और ये नाम है अर्चना गौतम का। अर्चना जो फिलहाल घर की कैप्टन बनी है, ऑलमोस्ट हर कंटेस्टेंट के साथ पंगा ले चुकी है, बेबाकी से अपनी राय रखती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अर्चना बाहर की दुनिया में कैसी है? क्या आप जानते हैं आखिर अर्चना गौतम कौन है? चलिए हम आपको अर्चना के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू करवाते हैं। कुछ समय पहले एक अभिनेत्री ने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कर्मचारियों पर बदसलूकी करने और मंदिर में प्रवेश ना करने का आरोप लगाया था, जिसे लेकर काफी ज्यादा बवाल हुआ। आरोप लगाने वाली अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि अर्चना गौतम ही थी। हालांकि उस वक्त खबरें तो आईं, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अर्चना बिग बॉस 16 में चली जाएंगी। मेरठ की रहने वाली 27 साल की अर्चना गौतम का जन्म 1 सितंबर 1995 में हुआ। वो पेशे से मॉडल, एक्ट्रेस और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर हैं। साल 2018 में अर्चना ने मिस बिकिनी इंडिया में हिस्सा लिया, खिताब अपने नाम किया। मिस कॉस्मोस वर्ल्ड 2018 में भी इंडिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया और मोस्ट टैलेंटेड 2018 का टाइटल जीता। अर्चना ने मिस उत्तर प्रदेश, मिस बिकिनी यूनिवर्स इंडिया समेत अन्य टाइटल जीते हैं। अर्चना की बिकिनी फोटोज जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उन्होंने तहलका मचा दिया। पढ़ाई में वो पीछे नहीं है, उन्होंने मेरठ से ही IIMT से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। मॉडलिंग की दुनिया से वो बॉलीवुड नगरी तक पहुंची। साल 2015 में बॉलीवुड डेब्यू किया, टीवी और प्रिंट के लिए कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़कर विज्ञापन किया। उनकी पहली फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी जो सफल रही, हालांकि इस फिल्म में उनका छोटा सा कैमियो ही था। इसके बाद वो बारात कंपनी में अंकिता भारद्वाज के रोल में दिखाई दी। जंक्शन वाराणसी में उन्होंने आइटम सॉन्ग किया। साउथ इंडस्ट्री में भी अर्चना ने काम किया है। तेलुगु मूवी IPL इट्स प्योर लव और तमिल मूवी गुंडास और कई म्यूजिक वीडियोस में अर्चना काम कर चुकी हैं। आपको बता दें अर्चना गौतम ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। साल 2021 में कांग्रेस के टिकट पर यूपी की हस्तिनापुर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि इस चुनाव में वो हार गईं। लोगों को उनका राजनीति में आना पसंद नहीं आया। कई फैंस उन्हें भद्दे आपत्तिजनक कमेंट्स कर परेशान करने लगे। उन्हें स्लम शेम का शिकार होना पड़ा, लेकिन अर्चना ने इन सबसे साइडलाइन होकर अपने आप को काफी मजबूती के साथ बिग बॉस के घर में प्रेजेंट किया है।